नमस्ते, ये जो वीडियो है काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर हम एंड्रॉयड 15 के साथ iOS 18 के कंपैरिजन करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर हमने iOS 18 का जो अपडेट है इंस्टॉल किया है iPhone 12 डिवाइस के ऊपर एंड एंड्रॉयड 15 का जो अपडेट है इंस्टॉल किया है Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर। बाय द वे, ये जो अपडेट है, इस अपडेट का जो डाउनलोड लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पर जाके Redmi Note 10 Pro डिवाइस के लिए आप जो है एंड्रॉयड 15 को चेकआउट करके देख सकते हो। एनीवे, यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते जो हिडन ऐप का जो फीचर्स है और जो ऐप लॉक का जो फीचर्स है इसके बारे में। तो एंड्रॉयड 15 के साथ जो प्राइवेट स्पेस का जो ऑप्शन से देखने को मिल जाएगा, तो कुछ इस तरह से हमने प्राइवेट स्पेस का जो ऑप्शन है इसे यहाँ पर सेटअप किया है। यहाँ पर प्राइवेट स्पेस के साथ आप जो है कोई भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। तो ये जो प्राइवेट स्पेस का जो ऑप्शन है देखने को मिलेगा। यहाँ पर सिमिलर ऑप्शन जो है iOS 18 के साथ भी ऐड किया गया है। कोई भी एप्लीकेशन हो, सिस्टम एप्लीकेशन हो, इवन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो, उसे हाइड कर सकते हो, इवन लॉक भी कर पाओगे। तो एप्लीकेशन को लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर जो रिक्वायर्ड फेस आईडी का जो ऑप्शन है इसमें टैप करना होगा। यानी आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, रिक्वायर्ड फेस आईडी और हाइड एंड रिक्वायर्ड फेस आईडी। तो रिक्वायर्ड फेस आईडी का मतलब है ऐप लॉक एंड हाइड एंड रिक्वायर्ड फेस आईडी का मतलब है यहाँ पर हाइड ऐप। तो यहाँ से आप जो है ऐप को लॉक कर पाओगे, हाइड कर पाओगे। तो एंड्रॉयड 15 एंड iOS 18 के साथ जो कुछ इस तरह से जो हिडन ऐप का जो फीचर से देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट जो फीचर से काफ़ी सही है, तो यहाँ पर एंड्रॉयड 15 के साथ जो है पार्शियल स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो फीचर से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप चाहो तो पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन को जो है रिकॉर्ड कर पाओगे, इवन जो एंटायर स्क्रीन है उस पर रिकॉर्ड कर पाओगे। तो पार्शियल स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है एंड्रॉयड 15 के साथ जो है ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर सेटिंग्स के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा। iOS 18 के साथ जो है सेटिंग्स में कुछ रीअरेंज किया गया है, जैसे कि बैटरी आइकॉन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर सभी जो सेटिंग्स में है इसे जो है पर चेंज किया गया है iOS 18 के साथ। इवन एंड्रॉयड 15 के साथ भी सेटिंग्स मेनू के साथ जो है रीडिजाइन UI देखने को मिल जाएगा। कंट्रोल सेंटर की अगर बात करें, काफ़ी डिफरेंट जो है पर कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा। तो एंड्रॉयड 15 एंड iOS 18 के साथ कुछ इस तरह से कंट्रोल सेंटर के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है ढेर सारी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा iOS 18 का जो कंट्रोल सेंटर है इसके साथ। यहाँ पर अलग अलग कंट्रोल्स को ऐड करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर कंट्रोल सेंटर के साथ जो ढेर सारी कस्टमाइजेशन फीचर्स देखने को मिल जाएगा iOS 18 के साथ। एंड एंड्रॉयड 15 का जो कंट्रोल सेंटर है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी एडिट आइकॉन अवेलेबल है, ब्राइटनेस का जो ऑप्शन है एंड यहाँ से पावर बटन को जो है पावर बटन का जो ऑप्शन है देखने को मिलेगा। सेम यहाँ पर iOS 18 के साथ जो है पावर बटन को ऐड किया गया है। एंड iOS 18 एंड्रॉयड 15 दोनों के साथ जो है विजेट्स का जो ऑप्शन से देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी सही है। प्लस यहाँ पर एंड्रॉयड 15 के साथ जो है गेस्चर्स के साथ भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर गेस्चर्स के साथ भी चेंजेस देखने को मिलते हैं जिसे हमने नोटिस किया है। एंड एंड्रॉयड 15 के साथ जो है iOS का एक फीचर्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो एप्लीकेशन है उसे यहाँ पर आर्काइविंग का जो फीचर्स देखने को मिलेगा। तो ऐप बार को यहाँ पर आर्काइव भी कर सकते हो। सेम फीचर जो है iOS 18 के साथ भी अवेलेबल है, भी यूज़ कर सकते हो। एंड सबसे बढ़िया बात है यहाँ पर जो एंड्रॉयड 15 है इसमें जो है मल्टीटास्किंग का जो फीचर्स देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर जो है स्प्लिट स्क्रीन का जो फीचर्स देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप जो है मल्टीटास्किंग कर सकते हो एंड्रॉयड 15 के साथ। एंड जो रिसेंट पैनल के साथ भी मल्टीटास्किंग का जो आइकॉन है देखने को मिल जाएगा। बट इस तरह से मल्टीटास्किंग का जो फीचर्स है iOS 18 में जो है देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर iOS 18 के साथ नया जो मैथ नोट्स का जो फीचर्स देखने को मिल जाएगा, इसे भी आप जो है चेकआउट कर सकते हो, जो कि काफ़ी सही है। तो यहाँ पर मैथ नोट्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है।
प्लस यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन का जो फीचर्स है iOS 18 के साथ ऐड किया गया है, जो कि Android 15 के साथ फिलहाल अवेलेबल नहीं है। जैसे कि यहाँ पर iOS 18 में जो विजेट्स वगैरह है लॉक स्क्रीन में, इसे आप कस्टमाइज कर सकते हो। प्लस यहाँ पर जो शॉर्टकट वगैरह है, इसे भी कस्टमाइज करने का ऑप्शन है, जो कि एंड्रॉयड 15 में देखने को मिल जाएगा। लॉक स्क्रीन शॉर्टकट को कस्टमाइज कर सकते हो एंड ढेर सारी अलग अलग ऑप्शंस के ऊपर ऐड किया गया है लॉक स्क्रीन के साथ। एंड यहाँ से आप जो है अलग अलग वॉलपेपर को भी जो है सिलेक्ट कर सकते हो। डार्क मोड का जो ऑप्शन है देखने को मिलेगा, डेप्थ इफेक्ट का ऑप्शन है, इवन जो फॉन्ट वगैरह है, कलर वगैरह है, इसे भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस को ऐड किया गया है प्लस ये सभी फीचर से। तो iOS 18 के साथ लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है। एंड यहाँ पर जो एंड्रॉयड 15 है, इसमें जो कलर कॉन्ट्रास्ट इसे आप जो है कस्टमाइज करने का ऑप्शन है। प्लस थीम आइकॉन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, मोनेंट यूआई का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा एंड्रॉयड 15 के साथ। प्लस ऐप ग्रिड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन शॉर्टकट है, इसे भी आप जो है कस्टमाइज कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर iOS 18 एंड एंड्रॉयड 15 के साथ जो है लॉक स्क्रीन के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली अगर आप कंपेयर करते हो कस्टमाइजेशन के हिसाब से, तो एंड्रॉयड 15 के साथ जो है आपको और ज़्यादा कस्टमाइजेशन फीचर्स देखने को मिलेगा। होम स्क्रीन, ऐप आइकॉन, फॉन्ट, इवन यहाँ पर स्टेटस बार हो जाए, लॉक स्क्रीन हो जाए, इसे भी आप जो है कम्प्लीटली चेंज कर सकते हो। यहाँ पर एंड्रॉयड के साथ आपको जो है ढेर सारे कस्टमाइजेशन फीचर्स देखने को मिल जाएगा। अलग अलग एप्लीकेशन के साथ आप जो है कम्प्लीटली एंड्रॉयड 15 को कस्टमाइज कर सकते हो, जो कि iOS 18 के साथ जो है अवेलेबल नहीं है। प्लस यहाँ पर मल्टी स्क्रीन का जो फीचर्स है, यहाँ पर iOS 18 में देखने को नहीं मिलेगा, आईफोन में अवेलेबल नहीं है, बट एंड्रॉयड 15 के साथ जो है मल्टी स्क्रीन का जो फीचर्स है देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। प्लस इकोसिस्टम की अगर बात करें, एप्पल के साथ आपको जो है बढ़िया इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैक ओएस प्लस आईपैड ओएस हो जाए, वॉच ओएस के साथ जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से iOS 18 के साथ जो है इकोसिस्टम का जो फीचर्स इसे यूज कर सकते हो। एंड्रॉयड 15 की अगर बात करें, डेफिनेटली अलग अलग जो है यहाँ पर मैन्युफैक्चर की तरफ से आपको एंड्रॉयड 15 का जो है डिवाइस देखने को मिलता है, तो इसलिए आपको जो है यहाँ पर इतना अच्छा जो है इकोसिस्टम देखने को नहीं मिलता है एंड्रॉयड 15 के साथ, इवन एंड्रॉयड के साथ। एंड प्राइवेसी सिक्योरिटी की अगर बात करें, तो डेफिनेटली यहाँ पर एंड्रॉयड 15 एंड iOS 18 दोनों के साथ ही यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के साथ। परफॉर्मेंस की अगर बात करें, तो iOS 18 जो है यहाँ पर आईफोन में अवेलेबल है एंड एंड्रॉयड 15 का जो अपडेट है अलग अलग मैन्युफैक्चर की तरफ से जो है देखने को मिलता है। एंड परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर डिवाइस टू डिवाइस डिपेंड करता है। अगर आप एक फ्लैगशिप डिवाइस में देखोगे तो एंड्रॉयड 15 काफ़ी सही है, बट यहाँ पर बजट डिवाइस में शायद इतना अच्छा ना हो। iOS 18 के साथ आपको जो है ऑलमोस्ट सभी डिवाइस में बढ़िया एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है, बट अगेन यहाँ पर हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड करता है। सॉफ्टवेयर अपडेट की अगर बात करें, एप्पल की तरफ से लगभग 5 ईयर से 6 ईयर के आसपास जो है पर सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिलेगा। एंड जो एंड्रॉयड 15 की अगर बात करें, अलग अलग मैन्युफैक्चर की तरफ से जो है अलग अलग जो है सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिलता है, तो ये चीज़ भी ध्यान में देना होगा। तो सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर AI फीचर्स की अगर बात करें, फिलहाल जो iOS 18 का जो अपडेट है, इसमें कोई भी जो है AI रिलेटेड फीचर्स देखने को नहीं मिल रहा है। एप्पल इंटेलिजेंट का जो फीचर्स है यहाँ पर सिलेक्टेड आईफोन में अवेलेबल होने वाला है इन फ्यूचर, बट सभी आईफोन में अवेलेबल नहीं होगा। जो iOS का जो 18.1 का अपडेट है, उसमें आपको एप्पल इंटेलिजेंट और AI फीचर्स देखने को मिलेगा। एंड्रॉयड 15 के साथ जो है अलग अलग मैन्युफैक्चर जो है AI रिलेटेड फीचर्स ऐड करेंगे। जो एंड्रॉयड 15 है, इसमें फिलहाल जो AOSP अपडेट है, उसमें जो है AI फीचर्स देखने को नहीं मिलता है। मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर डिपेंड करेगा AI रिलेटेड फीचर्स। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं ओवरऑल जो है यहाँ पर जो iOS 18 एंड एंड्रॉयड 15 का जो अपडेट है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर चेंजेस सिमिलरिटीज देखने को मिलता है। टोटली डिपेंड करेगा आपके जो है एक्सपीरियंस के ऊपर, आपको कौन सा पसंद है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।